आरबीएस न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है और मैं इस समय खड़ा हूँ ग्वालियर की डिलाइट ऑफिस पर। नई सड़क स्थित डिलाइट ऑफिस पर आप देख रहे हैं सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म बायोपिक जो है संजू वो लगी हुई है और पिछले काफी दिनों से ये फिल्म यहाँ पर काफी दर्शकों ने देखी है और काफी पसंद की जा रही है। पूरे भारत भर में संजू बायोपिक का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हो रहा है और कुछ लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छी लगी और उनके परिस्थितियों का सामना किया वो सब देखने क्या क्या लगा बारे में जो चीजें अखबारों में पढ़ते हैं क्या समझिए अखबार को कभी कुछ लोग पढ़ते हैं जिन लोग नहीं पढ़ते हैं मूवी में मूवी देखते हैं और आंखों से देखते हैं आंखों से और भी मेरे साथ में एक क्या नाम है बहुत अच्छी चल रही है। इसका कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा अच्छा पाकिस्तान का जो किरदार रणजीत कपूर ने निभाया है क्या उससे आपको प्यार हो जाता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, हमें बहुत इंतजार हो जाता है, बजाया चाहिए बहुत अच्छी लगी बहुत मशहूर संत वाले विक्रम नाड़ा जी के उनसे ही बात करते हैं कैसे लेकिन सर सर आपके साथ भूषण निवारा अच्छा सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका था आपको बना नहीं रणजीत कपूर सर आइए कुछ लोग और भी हैं यहाँ पर ये संजय की सर जी बता आप पिक्चर देख लिया आपने देख लिया झूठे आरोप इनका कहना झूठे आरोप है और भी संजय के फैन भी है यहाँ पर और उनसे ही बात करते हैं। संजय कैसे लगते हैं आपको फेवरेट तो संजय की आपने सारी पिक्चरें देखी हुई अच्छा कोई गिनती की कोई पिक्चरें हैं जो आपने जो सुपर हिट है आप उनका नाम बता दीजिए अच्छा संजय दत्त को आप क्यों प्यार करते हो मतलब इतने सारे उनके तो आरोप भी लगे हुए हैं और अभी जो बाइक की गाड़ी उसमें बताया है कि सब घूमते हैं संजय की कहानी कुछ अलग है तो संजय आपने पहले देखी है पहली बार देखा है पहले अभी देखने जा रहे हैं और भी यहाँ पर लोग हैं आइए उनसे भी पूछते हैं क्या नाम है सर आपको आपने अभी पिक्चर देखी कैसी पिक्चर देखी है अच्छा संजय दत्त की जो बायोपिक जिसका नाम दिया जा रहा है तो संजय दत्त की कहानी आपको क्या लगता है चलो कमल को अंदर लो कमल दिखाई दे अच्छा तो संजय दत्त की जो कहानी उसमें दिखाई गई है आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वो मतलब ये पिक्चर जो है वो संजय की कहानी जो दिखाई गई है वो सही दिखाई गई है नॉर्मल दिखाई गई और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आप देख रहे हैं और यहाँ पर एक मैडम भी है आइए उनसे भी पूछते हैं क्या क्या नाम है कैसा आप पिक्चर देखिए कैसी पिक्चर आपको कितना आपको कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ रहा है बाकी कलाकारों की एक्टिंग रणबीर कपूर का ज्यादा तो आपने पिक्चर देखी है फर्स्ट टाइम है तो क्या सुन के आए हैं पिक्चर के बारे में मतलब कैसी रिपोर्ट सुन के आइए कुछ जो यहाँ पर जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर जो कर्मचारी लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि इस समय पिक्चर का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा मिल रहा है दर्शक कैसे आ रहे हैं क्या नाम क्या आपका कोई बात नहीं आप बता दीजिए कैसे के नाम क्या आपका नाम क्या आपका ओके सर जी अभी पिक्चर में कैसे मतलब कितने दर्शक आ रहे हैं क्या मतलब कैसी पिक्चर चल रही है दिवाली में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है बताएंगे इतने बारे में मैं नहीं जानता अच्छा तो आइए इनसे पूछते हैं
आप ये हैं और कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा मिलता है, तो मतलब 400 जो आ रहे हैं, 10 ग्रुप आ रहे हैं पिक्चर का, वो तो पूरे भारत में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। क्या नाम क्या था सर? आप तो बहुत टाइम पे सिनेमा हॉल में होंगे, संजय की कई पिक्चरें आपने देखी, आज संजय की बायोपिक आई है, दर्शकों की कैसी प्रतिक्रिया मिली हॉल के अंदर? बहुत अच्छी मिली। तो ये थे सिनेमा हॉल के जो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वो लोग हैं, और इनका कहना है कि जो दर्शक आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिल रही है। और आपको मैं इस समय दिखा रहा हूँ ग्वालियर का डिलाइट सिनेमा हॉल, जहाँ पर संजू बायोपिक लगी हुई है, और आज भी इस पिक्चर में दर्शकों की भरमार है, काफ़ी दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पिक्चर संजय की जो जीवन के जिन पहलुओं को छूती है, खास करके इसमें दो पहलू दिखाए गए हैं, एक जो उनका ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, जो सभी लोग जानते हैं कि वो ड्रग्स लेते थे और किस तरीके से उन्होंने उससे बाहर निकलने की कोशिश की है, दूसरा जो टाडा कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया था और उनका कहना था कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि मीडिया में कुछ छवि को थोड़ा सा गलत तरीके से पेश किया गया था, उस छवि से निकलने की इस पिक्चर में इसके द्वारा संजय के जीवन की कोशिश की गई है। कैमरामैन और अपने सहयोगी रवि सिकरवार के साथ मैं संजय भारद्वाज, आरजे सच की आवाज़ के लिए ग्वालियर से। मोबाइल नंबर ले लो, मोबाइल नंबर RBS यह नंबर ले लो मेरा 9302, उसको व्हाट्सअप कर देना मुझे हाई करके, मैं उसको भेज दूंगा। 9302 RBS व्हाट्सअप नंबर ले लो, उस पर लिंक भेज दूंगा। 9309177 इस पर है ना, हाई करके भेजना व्हाट्सअप पे ना। चलो हाई कोर्ट है।